Assalamu alaikum. Now, today in this video, we will discuss equations reducible to quadratic form. इसका क्या मतलब है कि हमें यहाँ पर जो equation दी गई है वो quadratic form में नहीं दी गई है, बल्कि उसको हम quadratic form में reduce करेंगे. किस तरह से करेंगे? सारी चीज़ तो ये quadratic equation होती क्या है? ऐसी equation जिसमें highest power 2 हो, यानी जिसकी डिग्री 2 हो, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इसके लिए हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. कि जो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है. हमने इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है. इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में. किस तरह से करेंगे हमें इस वीडियो में ये सीखना है, ताकि वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फिर किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स हैं वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकें. तो अब यहाँ पर हमें दिया गया है एक्स इज टू फोर माइनस एट एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो. अब x इज टू फोर, ये हम पहले देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर है. तो हमें मालूम है कि x स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ना. इट मीन्स x इज टू फोर इज द स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर. तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से बता सकते हैं, माइनस एट एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो. अब यहाँ पर भी हमारे पास x स्क्वायर है और यहाँ पर भी x स्क्वायर है. तो अब सपोज कर लेंगे हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए, जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम कह देंगे इट इज इक्वल टू वाई. तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस एट वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो. अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गए. क्वाड्रेटिक फॉर्म में आने के बाद जो भी हमारे पास मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के, वो हम सब अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं. उनमें से कोई भी एक, जैसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला. यहाँ पर हम इसको पहले देख लेते हैं कि क्या हम यहाँ पर इसको बाय फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि नहीं. तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर नाइन मिला है. नाइन तो, और थर्ड टर्म की साइन है माइनस, कि नाइन में से जब हम माइनस वन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एट. यानी इसको हम बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं. देखेंगे हम वाई स्क्वायर माइनस नाइन माइनस वन मल्टीप्लाई वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो. ऐसी इक्वेशंस जिनको हम बाय फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, प्रीफर करेंगे कि हम उन पर फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करें, क्योंकि ये शॉर्ट मेथड होता है एक तरह से, मतलब कम स्टेप्स में और कम टाइम में हो जाता है एज़ कम्पेयर टू क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब क्या लिखना है? वाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई माइनस माइनस प्लस y माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो. फोर टर्म्स में हो गया, यानी हम इस पर अब लगाएंगे ग्रुपिंग मेथड. तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन देख रहे हैं y है. कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में हम लिखेंगे y माइनस नाइन. थर्ड टर्म की जो साइन है वही साइन हम यहाँ पर लेंगे. y माइनस नाइन में हमने कॉमन देखना है जो कि है सिर्फ वन. मल्टीप्लाई, अब जब हम हर टर्म को डिवाइड कर देंगे प्लस वन से, तो हमारे पास आता है वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो. तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स वाई माइनस नाइन मल्टीप्लाई वाई प्लस वन बना दिए. अब इन टू फैक्टर्स को हमने किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों इक्वल टू ज़ीरो हैं. इट मीन्स वी कैन से वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो. तो ये हमें मिलेगा y इज इक्वल टू नाइन एंड हेयर y इज इक्वल टू माइनस वन. अब y हमारे क्वेश्चन में तो नहीं है, ये हमने सपोज करा हुआ है, लिहाजा अब हम y की जगह पर इसकी वैल्यू जो हमने सपोज की है x स्क्वायर, वो हम यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देंगे. तो हमारा ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन. इसी तरह से ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन. अब हम लेंगे इसका
स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें एक्स मालूम करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमेशा हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट माइनस 1। स्क्वायर रूट माइनस 1 हमें मालूम है किसके इक्वल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, इट इज़ इक्वल टू आयोटा। तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट माइनस 1 की जगह पर क्या बता देंगे, प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन सेट मिलेगा प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस आयोटा। सो दिस इज द आंसर। अब इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2, यह हमें दिया गया है कि 12 एक्स रेज टू 4 और फिर हमें माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी हमने जैसे पीछे सॉल्व किया था सेम वही मेथड यूज़ करना है। 12 एक्स रेज टू 4, अब 12 को तो हमने एज इट इज़ रखना है और एक्स रेज टू 4 इसको हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक्स स्क्वायर बना सकते हैं, मतलब इसे हम स्क्वायर फॉर्म में ला सकते हैं। तो एक्स रेज टू 4 किसका स्क्वायर होता है, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बताया था सेम वही, माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म में भी मौजूद है और सेकेंड टर्म में भी मौजूद है, सो वी विल सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब इसको हम वाई सपोज कर लेंगे, जब हम इसकी जगह पर वाई रखेंगे तो हमारे पास आएगा 12y² माइनस 11y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब इस पर हम मेथड कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करने पर हमारे पास क्या आएगा, 12 2 24, जब हम 24 के फैक्टर्स बनाएंगे, हमारे पास आते हैं 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। इट मीन्स 2 × 2 × 2 × 3 × 1। अब इन फैक्टर्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि इन्हें प्लस करने पर हमें मिले मिडिल टर्म का कोफिशियंट 11 और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आए वो नंबर जिसके हमने फैक्टर्स बनाए हैं, यानी 24। तो हम ये देख रहे हैं 2 2 4, 4 2 8, 8 + 3 = 11। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 + 3 = 11 एंड 8 3 = 24, यानी हम इसको मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 12y² माइनस 8 + 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 12y² माइनस 8y माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल यूज हियर ग्रुपिंग मेथड। फर्स्ट टू टर्म्स 12 एंड 8 कम्स इन 4 टेबल, सो वी विल टेक आउट 4 एज अ कॉमन, 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और y की हम लेंगे स्मॉलेस्ट पावर, तो y हमने कॉमन ले लिया, इस तरह से हमारे पास 4y कॉमन आ गया। जब हम डिवाइड करेंगे 12y² को 4y से तो हमारे पास आता है 3y माइनस 2। क्लियर, माइनस साइन जो यहाँ पर साइन है वही साइन लगेगी, इन दोनों में हमें सिर्फ 1 कॉमन मिल रहा है, लिहाजा हम लिखेंगे 3y माइनस प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
कॉमन फैक्टर इज 3y-2। अब इन दोनों टर्म्स में ये मौजूद है, लिहाजा इसको हमने कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में आ गया 4y-1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अभी दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 हैं, सो वी कैन राइट 3y-2 इज इक्वल टू 0 एंड 4y-1 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 2, हमारे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आएगा 4y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू व्हेन वी चेंज द साइड ऑफ 3, 2/3, ठीक है। और इधर से हम इसको बताएंगे y इज इक्वल टू 1/4, क्लियर है। अब y की जगह पर हम रख देंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बताना है हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब यहाँ से x फाइंड करने के लिए हम ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट, तो फिर हम इसे बताएंगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +- स्क्वायर रूट 2/3। अब 2/3 हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू +- स्क्वायर रूट 2/3, ठीक है। अब ये x इज इक्वल टू +- स्क्वायर रूट 2/3 आया, यहाँ पर हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की साइन मौजूद है, हम कभी भी स्क्वायर रूट की साइन डिनोमिनेटर में नहीं रखते, लिहाजा हम यहाँ पर किस तरह से बताएंगे इस बात को कि x इज इक्वल टू +- स्क्वायर रूट 2/3। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने यहाँ पर इसी डिनोमिनेटर से यानी स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू +-। अब दोनों ही स्क्वायर रूट साइन के अंदर हैं, लिहाजा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट 6/ स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 इसको मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 को, सही, ये मैं एक तरह से रफ वर्क बता रही हूँ। तो रफ वर्क में स्क्वायर रूट 3 को जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है स्क्वायर रूट 9, जो कि इक्वल होता है 3 के। तो अब यानी हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, ये हमारी एक्स की वैल्यू हो गई है, ठीक है, ये हमारा एक रूट आ गया इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर रखेंगे वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा +- स्क्वायर रूट 1/4, तो एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा +- 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 स्क्वायर रूट मीन्स 2, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर रूट 1/4 की जगह पर हमें क्या मिलेगा 1/2, इस तरह से हमें यहाँ पर दूसरा भी रूट मिल गया। तो फाइनली दे विल गिव इट्स आंसर, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू +- स्क्वायर रूट 6/3 एंड +- 1/2, ये इसका सॉल्यूशन सेट है, ये इसका आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर आपको किसी भी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।